हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ और लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे वहाँ से फॉलो करें। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पार्ट 7 के बारे में, जिसको दिया है बी एफ स्किनर ने। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग लर्निंग का एक टाइप भी है और ये लर्निंग की एक थ्योरी भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचिंग से रिलेटेड सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं द न्यूरल बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के कुछ न्यूरल बेसिस इवेंट्स भी मिले हैं जो कि इस तरह से हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है एंटीरियर साइंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ACC। इसकी लोकेशन है फोरेंटल लोब के सामने और कॉर्पस कॉलोजम के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और जो कि रीइंफोर्समेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व पाया जाता है। क्योंकि रीइंफोर्समेंट प्रोसेस जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से रिलेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए डोपामाइन का भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रोल माना गया है। इसके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जो न्यूरल बेसिस है वो बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ढूंढने से ये मिले हैं। तो आप बस इन दोनों का नाम लर्न कर लेना, एंटीरियर साइंगुलेट कॉर्टेक्स और डोपामाइन। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर्स इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कॉग्निटिव फैक्टर्स का रोल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसके कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि इस तरह से हैं। फर्स्ट है हमारा लर्न हेल्पलेसनेस। लर्न हेल्पलेसनेस को दिया था मार्टिन सेलिंगमैन ने, और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो किया था एक डॉग के ऊपर, और इनका जो बॉक्स था वो स्किनर के स्टील बॉक्स की तरह से डिज़ाइन किया हुआ था। इन्होंने क्या किया कि पहले अपने सब्जेक्ट को एक ऐसी सिचुएशन में रखा जिसमें कि वो पनिशमेंट मिलने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी उसको अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है तो भी उसको चुपचाप ही बैठे रहना था। फिर इन्होंने उस जो उनका जो सब्जेक्ट था उसको ऐसी सिचुएशन में डाला जिसमें कि वो रेस्पॉन्स कर सकता था, लेकिन इन्होंने ये देखा कि उस सिचुएशन में आने के बाद भी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था जिसमें कि वो अपने आप को बचा सकता था। इस तरह से इन्होंने समझा कि जो इनका सब्जेक्ट है उसने हेल्पलेसनेस को लर्न कर लिया है। क्योंकि इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कॉग्निटिव फैक्टर्स के रोल प्ले होने की बात पता चलती है। नेक्स्ट है बिलीव इन शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब हमारे सब्जेक्ट को हम किसी स्पेशल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के लिए बिलीव बना देते हैं कि उसे उसके थ्रू रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है, तो वो उसी बिलीव के अनुसार रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें उन्होंने क्या किया कि वेरिएबल इंटरवल 13 के थ्रू रीइंफोर्समेंट दिया गया और तीन ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सूचना दी गई कि उसे वेरिएबल इंटरवल 13 के थ्रू रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, यानी उसको रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में सही सही जानकारी दे दी गई। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि उसे फिक्स रेशो शेड्यूल के थ्रू रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, और तीसरे को बताया गया कि उसको वेरिएबल रेशो शेड्यूल के थ्रू रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है। इसमें यह देखने को आया कि जिस सब्जेक्ट को जो से शेड्यूल के बारे में बताया गया था वो उसी के थ्रू रेस्पॉन्स करता पाया गया। नेक्स्ट है हमारा टॉलमैन और हॉन्जिक का एक्सपेरिमेंट। टॉलमैन और हॉन्जिक का एक्सपेरिमेंट भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में कॉग्निटिव फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम जो टॉलमैन के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के इवेल्युएशन को हम किस तरह से करते हैं, हम किस तरह से अपनी रीइंफोर्समेंट को मूल्यांकित करते हैं, उस चीज़ का इफेक्ट भी हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स इशारा करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में। इवेल्युएशन ऑफ रीइंफोर्समेंट में जो एक इफेक्ट है वो हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट को हम पहले से कम मात्रा में रीइंफोर्स कर रहे हैं और अदर सब्जेक्ट को हम ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, तो जो हमारा कम वाला सब्जेक्ट है अगर हम उसको भी ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर दे तो जो उसका रेस्पॉन्स है वो उन रेट्स के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाएगा जिनको पहले से ही ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा था। क्योंकि इसमें पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली है, रेस्पॉन्स में वृद्धि हमें देखने को मिली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जब सब्जेक्ट को पहले से ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है और कुछ सब्जेक्ट को कम मात्रा में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो जिसको पहले से ज़्यादा मात्रा में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है अगर हम उसके रीइंफोर्समेंट को कम कर देते हैं
तो वो उन सब्जेक्ट के मुकाबले जो रेस्पॉन्स है वो करना कम कर देता है जिनको कि पहले से ही कम मात्रा में रिइंफोर्समेंट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें रेस्पॉन्स में कमी देखने को मिली है, एक नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिज्म। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं, उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट है हमारा नो सिस्टमाइटाइजेशन, कि हमने स्किनर की थ्योरी में कोई भी सिस्टमेटिक चीज़ देखने को नहीं मिली है। स्किनर का जो रेट है वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, कुछ भी किए जा रहा है अपनी मर्जी से, पैवलो के डॉग की तरह से, वो सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है रिइंफोर्समेंट इज़ मस्ट। स्किनर ने माना था कि रिइंफोर्समेंट जो है कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन टॉलमैन और हॉन्चिक ने अपना एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूव कर दिया कि जो रिइंफोर्समेंट है वो सिर्फ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सीखी गई अनुक्रिया के परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि ओनली ऑपरेंट रेस्पॉन्स कैन लर्न। स्किनर ने बताया था कि उनकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू हम सिर्फ ऑपरेंट रेस्पॉन्स को लर्न कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हम वॉलंटरी बिहेवियर को सीख सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसके थ्रू रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स भी लर्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेट इन ए स्किनर बॉक्स। अब आप स्किनर के रेट को देखिए कि वो किस तरह का है। एक पजल बॉक्स स्किनर बॉक्स के अंदर बंद है, अगर उसका रेट टॉलमैन के सब्जेक्ट की तरह होता या पैवलोव के डॉग की तरह से बंधा हुआ होता तो रिजल्ट कुछ और ही होते। तो ये भी इस तरह से इस स्किनर की एक आलोचना हुई। नेक्स्ट है चॉमस्की ने 1959 और 1979 में भी इनकी कुछ आलोचनाएं की थी, लेकिन आलोचनाएं की है इसका मतलब ये नहीं है कि स्किनर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्किनर की थ्योरी का आज भी उतना ही महत्व है जितना कि पहले के टाइम में था। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब तक हमने दो थ्योरी को पढ़ा है, क्लासिकल कंडीशनिंग को और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को। अब हम जान लेते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है प्रोसीजरल डिफरेंस। प्रोसीजरल डिफरेंस यानी कि उनकी प्रोसेस में कुछ अंतर हैं जिनको हम जान लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट है UCS फूड एंड रीइंफोर्समेंट। जो प्रक्रिया को जो बढ़ावा दे रही है क्लासिकल कंडीशनिंग में, वहाँ पे UCS का काम फूड कर रहा है और वो फूड ही है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में डॉग को रेस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में ऐसा नहीं है, उसमें रीइंफोर्समेंट एक फैक्टर है जो कि रेस्पॉन्स को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब पैवलो को देखिए, पैवलो का अपने डॉग के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है, लेकिन आप स्किनर के रेट को देखिए, उसका उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। पैवलोव अगर चाहे तो डॉग को फूड दे सकता है, अगर चाहे तो फूड नहीं दे सकता, लेकिन स्किनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो रेट को लीवर को प्रेस करने के बाद फूड नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नहीं रह जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के रूल के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग में कंट्रोल ज़्यादा होता है जो एक्सपेरिमेंटर है उसका सब्जेक्ट के ऊपर, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में एक्सपेरिमेंटर का सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल कंटिंजेंसी। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें UCS और CS के बीच की जो टाइम है वो होती है एक्सपेरिमेंटल कंटिंजेंसी, यानी कि वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है रेस्पॉन्स को। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उसमें रेस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट के बीच में ये सिचुएशन आती है जो कि इफ़ेक्ट करती है आगे आने वाले रेस्पॉन्स को। नेक्स्ट है कंपेरेबल स्टिमुलस। हमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पता है कि कंपेरेबल स्टिमुलस क्या है, फूड है जिससे कंपेयर करके जो रेट है वो रेस्पॉन्स को करना सीख रहा है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हमें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे वो कौन चीज़ है जो कि हमारे रेस्पॉन्स को उत्सर्जित कर रहा है। नेक्स्ट है अदर। कुछ अदर जो एग्जांपल है उनके बेस पे भी क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में डिफरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थियोरेटिकल डिफरेंस। थियोरेटिकल डिफरेंस को भी क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का एक मेन डिफरेंस माना जाता है। फर्स्ट है कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग होती है, जैसे कि इनवॉलेंट्री बिहेवियर को सीखना या ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स को लर्न करना। नेक्स्ट है जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में है उसमें हम ऑपरेंट लर्निंग को सीखते हैं, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो वॉलेंट्री बिहेवियर करता है,
तो ये भी एक इन दोनों का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट है वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एक वीक स्टिमुलस के थ्रू भी लर्निंग करा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कि एक नींबू की बूंद के को देख के भी सलाइवेशन हो सकता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हमें लर्निंग कराने के लिए जो हमारा स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है उनको कंट्रोल करने वाले नर्वस सिस्टम भी अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जिससे कि ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन आज के टाइम में जो थ्योरेटिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ये लगभग ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ प्रोसीजरल डिफरेंस को ही इस में इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा, और मुझे आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। थैंक यू।